क्या जरूरत थी डांस करने की? टीना आंटी का बर्थडे है, मुझसे रहा ही नहीं गया। तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है ना, जाओ आराम करो। आज की रात तो धमाल पे धमाल हो रहा है और इसी मस्ती में अपने स्वैग का तड़का लगाने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई? अरे भाई गेस करो। अरे हम आ रहे हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखा, बिना कुछ किए भी थपके का पलड़ा भारी हो गया। तजुर्बा बोलता है, मालूम? हाँ। हाँ। ये तो मेरा डायलॉग है। हाँ ठीक है। हाँ। ज्यादा दांत दिखाकर हंसी मत वीना आंटी, आखिर में धमाका मैं ही करने वाली हूँ। मैंने लैपटॉप में अपनी पेन ड्राइव फिट कर दी है जिसमें आपका वो वीडियो है जो बस कुछ ही देर में सबके सामने आपका पर्दा फाश कर देगा। और अब बारी है एक बहुत स्पेशल सरप्राइज की, जो मेरी वाइफ थपकी ने मेरी मॉम वीना देवी जी के लिए प्रिपेयर किया है। थपकी, बेचारी थपकी अपना समझ के मेरा वीडियो प्ले करने वाली है और उसके बाद रोना धोना झगड़ना। थपकी को रोकना होगा हमें, मगर कैसे? हे माता रानी, हमारी मदद करो। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? हो, लाइट कैसे चली गई? अरे विनोद, जरा जाके देखना क्या हुआ है। अम्मा, सीधे बिजली विभाग को फोन लगाता हूँ मैं, कि हर बार हमारे फंक्शंस में बिजली क्यों चली जाती है। उन्हीं का मैसेज आया है, हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो कुछ टाइम तो बिजली नहीं आएगी। अरे यार, थपकी भाभी ने कितने प्यार से वीडियो बनाई थी, अब हम सब कैसे देखेंगे? सरगम, हम वीडियो तो बाद में भी देख सकते हैं ना, 12 बजाएंगे तो खामा का दिन चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि 12 बजने से पहले हमें माजे का केक काट लेना चाहिए। बेटा, अंधेरे में केक कहाँ काटेंगे? अरे दादी, टेरेस पे कैंडल लाइट के साथ। किलर आइडिया ब्रो, चलो चलो चलो, मैं भी सारी अरेंजमेंट कर। सरगम, मैं भी आती हूँ। थपकी, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, अब तुम आराम करो। सरगम और मैं संभाल लेंगे। यस, चलो 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 चलो। वीना आ गया। हाँ। उस लैपटॉप में जो भी वीडियो हंसकरण डाली है उसे मिटाना होगा हमें। वीना, केक ऊपर कटने वाला है, चल ना। बस हम दो मिनट में आ रहे हैं। पक्का मेरा सबूत फिर से मिटाने की कोशिश करने जा रही है ये, मुझे इन्हें रोकना होगा। अरे एक काम करती हूँ,
लैपटॉप बंद कर देती हूँ। अरे ये वीडियो तो मेरी बनाई हुई वीडियो है, इस पे ऐसा थंबनेल क्यों आ रहा है? क्या ये? चलो पूरा परिवार ना सही लेकिन थपकी ने देख लिया तो भी मेरा काम तो हो ही जाएगा। इसका मतलब पूरब से मेरी शादी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, आज ही का प्लान था। इतनी नॉर्मल कैसे है? ना उसने पूरब से कुछ कहा ना बाकी परिवार से। हो क्या रहा है ये सब? मॉम आपको पता है ये केक थपकी भाभी ने बनाया है स्पेशली आपके लिए। पाइनएप्पल केक है, आपका फेवरेट फ्लेवर है ना। क्या कर रहे हो, जल्दी से कैंडल ब्लो करो ना, वरना हम सबको ना वैक्स वाला केक खाना पड़ जाएगा। चलो ना। लगता है थपके ने पूरब को हमारा सच बता दिया। हैप्पी बर्थडे मॉम। ये आइडिया मेरा था, थपकी का नहीं। हैप्पी बर्थडे। हमारा सच क्यों नहीं बताया इसने? आखिर करना क्या चाहते हैं ये? बोलती क्यों नहीं है चुक चुक गाड़ी, सबको सच क्यों नहीं बता देती है? एनीवे ओह माय गॉड, पेन ड्राइव कहाँ गई?
यही तो थी। सब जानते हुए तुम चुप हो क्यों? तो आप क्या सोच रही थी कि एक माँ बेटे का रिश्ता तोड़वा देती मैं? माँ जी आप जानती हैं मेरी नजरों में एक माँ भले ही गलत हो सकती है क्योंकि वो भी एक इंसान है, लेकिन बुरी एक माँ बुरी कभी नहीं हो सकती। आपके इस जन्मदिन पर कोई महंगा तोहफा देने की हैसियत तो नहीं है मेरी, इसीलिए इसे ही आप मेरा तोहफा समझ लीजिए। ये अकेले अकेले में क्या बातें चल रही हैं? तुम्हारी पत्नी की तारीफें कर रहे थे। आज सुबह से लेकर अभी तक जो इसने हमारे लिए किया, फाइनली आपको थपकी की अच्छाई दिखाई दी, इतने में बहुत खुश हूं मैं। थपकी, मॉम को केक नहीं खिलाओगी? माँ जी हैप्पी बर्थडे। क्लिक करते चलो थपकी। रेडी? या रेडी रेडी। स्माइल। वाओ लाइट आ गई। चलो चलो अब सब वीडियो देखते। चलो 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 दादी चलो। तुझसे लगाई हुई शर्त में जीत रही हूँ, लेकिन अंदर से खुशी नहीं हो रही है ना। कोई बात नहीं, आ नीचे चलते हैं। आजा। थपकी ने ये वीडियो वाली पेन ड्राइव चला दी? कितनी प्यारी लग रही है तू। पूरब जब इतना सा था तब से वीना ने अपनी सिंगिंग शुरू की। मां होने के साथ साथ इस घर की जिम्मेदारी भी पूरी की। थकी हारी टूटी, लेकिन कभी भी बिखरी नहीं मेरी बहू। जिंदगी ने जितने त्याग मांगने थे उससे, उसने सब दिए। मुझे गर्व है अपनी बहू पर। मीरा ने मेरी आधी जिम्मेदारी पूरी की है। ये घर, ये परिवार, आज जो कुछ भी है, उसी की बदौलत है। जो सब मानते हैं वो मैं भी। तुम्हारी वजह से तो हम है भी ना, वरना न जाने हम कहां होते। खैर, भगवान ने मुझे तो आवाज दी नहीं, वरना मैं भी बहुत बड़ी सिंगर होती तुम्हारी तरह। खावा घर में कलेश बढ़ जाता, तनाव बढ़ जाता, है ना? तुमने इस घर के खर्चे को चलाया और मैंने इस घर को
वीना बराबरी की हिस्सेदारी? हाँ, मॉम ने इतनी मेहनत की तब जाके ऐसी आराम वाली जिंदगी मिली है। मॉम ने मेरे सारे ड्रीम, सारी विशेस सब पूरी की, बहुत ज्यादा पैम्पर किया। एंड आई लव यू मॉम, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। हैशटैग चाची नंबर वन, वी लव यू वीना चाची। कितनी क्यूट हूँ मैं। वो तो है। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, टाइम बहुत कम है, इसलिए एक ही लाइन में कहूंगा, मैं हमेशा हर स्टेप पे आपके साथ हूँ। हैप्पी बर्थडे। तो सबके दिल की बात तो तुमने रिकॉर्ड कर ली थपकी, लेकिन अपने दिल की नहीं कही। आओ अब तुम्हारी बारी। सबने तो सब कुछ कह दिया, मैं क्या कहूंगी। अरे नॉट फेयर भाभी। हाँ हाँ कुछ तो बोलो, जाओ जाओ थपकी, जो मन में है वो बोल दो, जाओ। इतना कुछ किया है तूने सुबह से, अब अपने दिल की बात भी बोल दे। अच्छा ठीक है। ध्यान से। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे माँ जी, मेरे लिए मिट 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 मेरी माँ के बाद जो भी हैं वो आप ही हैं। जैसे आप खुद हैं, जैसा आप गाती हैं, पहनती हैं, सोचती हैं, यहाँ तक कि जैसे आप चलती हैं, अगर माँ जी उसका 1% भी मैं आपकी तरह बन पाऊँ ना, तो मेरे लिए मिट 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 मेरी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा आपको खुश रखे, और उसमें बस थोड़ी सी हिस्सेदारी मेरी भी हो, उतना मेरे लिए बहुत होगा। हैप्पी बर्थडे। सो स्वीट। कितने सालों से ये वॉलेट छुपा के रखा है, आज देखती हूँ आखिर इस वॉलेट में ऐसा है क्या। हेलो हंसिका। मॉम मैं गलत थी, ये थपकी ना बहुत स्मार्ट है। वीना देवी का भांडा फोड़ना तो छोड़ो, उसने मेरी पेन ड्राइव जला दी। वेरी स्टूपिड गर्ल। लगा ही था मुझे, त्याग और बलिदान की सोच वाली है ये। ऐसे लोग दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला लेते हैं। वीडियो नहीं तो ना सही, घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने के और कई तरीके हैं मेरे पास, क्योंकि मॉम ये माँ बेटे तो दूर होंगे ही, पूरब मेरा होगा। रुको हंसिका, होश से काम लो, गुस्से से नहीं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि आखिर पूरब थपकी के बारे में सोचता क्या है, वो ये शादी क्यों निभा रहा है। ओके मॉम, जब तक ये पता लगेगा ना, तब तक इस थपकी की ऐसी बैंड बजाऊंगी ना मैं, देखना जितने नंबर बटोरती फिर ना वीना जी के सामने, सारे के सारे नंबर काटूंगी मैं। करो बेटा, आखिर किसी को तो कुछ हासिल हो, वरना यहाँ मैं पिछले 20 सालों से तुम्हारे पापा का सच जानने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा।
दादी जी ने बताया कि आज आपने तीन घंटे रियाज किया था, इसीलिए बस ये काढ़ा आप पी लीजिएगा, आपके गले को आराम मिलेगा। मानना पड़ेगा, बहुत चालाक हो तुम। हमें लगा था आप अनाड़ी हो, लेकिन तुम तो इस खेल की एकदम उम्दा खिलाड़ी हो। जिनकी जुबान लड़खड़ाती है उनके मन में मैल होता है, ये तो हम जानते थे, लेकिन वो इतने होशियार, समझदार और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले भी होते हैं, ये पहली बार देख रहे हैं हम।